कीचड़ से डर नहीं है, बस गिरना नहीं है। एक बार यहाँ पर व्यू देख लो कितना प्यारा है, ये अपनी बाइक्स खड़ी है यहाँ पर और यहाँ देखो बर्फ ही बर्फ। अगर इन वायर से हम भी नीचे जा पाते तो कितना मस्त होता ना। साइड मिरर देख अपना, कितना प्यारा व्यू है भाई साहब देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हो मोटो व्लॉग्स और आज जा रहे हैं हम एक छोटी सी राइड पे। आज हमारे साथ होंगे हमारे कुछ फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स भी, तो आज एक छोटी सी राइड मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ करते हैं। भाइयों के मैसेज आ रहे थे मेरे को कि राइड करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है चलो। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स वगैरह देखने में, इंस्टाग्राम पे भी जब आपके DMs आते हैं और यूट्यूब पे जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि और अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूँ और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तो इसके लिए ऐसे सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। अभी जा रहे हैं आगे, अर्चित भाई बाइक वॉश करवा रहे हैं गुटकर में, तो वहाँ पर उनसे मिलेंगे। तो अर्चित भाई भी मिल गए हमें, पीछे चढ़ रहे हैं हमारे, मतलब अब आगे। V3 डार्क नाइट एडिशन। तो एक और भाई भी आ गए अब अपने साथ, ट्यूब 200। अब जाएंगे बग्गी के पास, वहां पर और बंदे वेट कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं, एक हाई स्पीड रन देते हैं हम सब भाई। मज़ा आ जाता है भाई 4 लेन पे तो कसम से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। इस हिसाब से तो अब हमें स्पोर्ट्स पे चलना पड़ेगा। अभी से ही वाइब्स आ रही है ब्रो राइड की, तो मस्त एकदम। ये वाला रोड भी काफ़ी अच्छा है वैसे यार, बस थोड़ा सा नैरो है बाकी तो ठीक है, और यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा ही होता है। अगर ये रोड खाली मिल जाए ना भाई क्या मज़ा आएगा कसम से, बहुत ज़्यादा ही फन हो जाएगा। साइड मिरर देख अपना, सारे सैंपल मेरे को ही क्यों मिलते हैं यार, मैंने क्या किया है। तो बाकी लोग भी मिल गए हमें, चलो फिर चलो आगे चलो। आज आपको फिर से घुमाएंगे मस्त मस्त सी वादियाँ, प्यारी प्यारी सी वादियाँ। चलो भाई सब भाई अब आगे निकल गए हैं, अब हम चलेंगे लास्ट में सबके साथ ताकि कोई पीछे ना रह जाए। अभी से ठंडी ठंडी सी हवाएं स्टार्ट हो रही है, ऊपर तो बहुत मस्त मौसम होने वाला है। यहाँ से एक बार व्यू देख लो कितना मस्त आ रहा है, भाई भी फोटो ले रहे हैं। ग्रीन वायर से हम भी नीचे जा पाते तो कितना मस्त होता ना। वो है देखो सुंदर नगर की जो नहर जाती है ना, वो नहर जाती है सुंदर नगर के लिए। बस सब भाई सेफली चले, तेज चलने में कोई दिक्कत नहीं है बट ये है कि सेफली एकदम। जंगल शुरू होता हुआ, ठंडी हवाएं साथ में आती हुई, अपनी गाड़ी। पापा ऐसे घूर के देख रहे थे ना मेरे को, अब पूछेंगे कहाँ दौड़ा हुआ था तू। पर अच्छा हुआ यार स्लो स्पीड पे ही थे अभी, नहीं तो फिर पाया जाता घर पे, बच गया। कर्व्स तो अच्छे हैं यार इस रोड पे भी काफ़ी, बट वही है ना, एक तो बहुत नैरो रोड है और ऊपर से ट्रैफिक भी है यहाँ पर, तो अपनी लेन में रहना पड़ेगा। ज़्यादा यहाँ आ गई बाइक तो फिर रिस्क हो सकता है। अभी जा रहे हैं हम देवीगढ़,
काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वहाँ गए हुए भी, देखते हैं कैसा है वहाँ पर अब सब कुछ। रोड का तो आइडिया हो ही रहा है अभी से ही, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। हाँ, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है थोड़ा सा, तो मशीनरी लगी हुई है। वैसे हम निकल सकते हैं वहाँ से, काफ़ी जगह है। चलो देवीगढ़ के लिए कहाँ से जाते हैं, किस साइड जाना है, ऊपर? मेरे को नहीं पता, आप बताओ, मैं तो आपके साथ हूँ। देवीगढ़ के लिए कौन सा रोड है पूछ लो ना इनसे, लगाओ आवाज इनको, पूछ लो। चलो चलो, यह है चैल चौक। हमें रास्ता पता नहीं था मंडी के होते हुए भी। अरे यार, मैं खुद बहुत टाइम के बाद आया हूँ ना, तो इस वजह से मेरे को भी आइडिया नहीं था किस साइड जाना है। और गलत जाने से अच्छा तो पूछना ही है ना, पूछने में कुछ जाता थोड़ी है। जब मैंने आरआर लेनी थी तो मेरे मन में एक डाउट V3 का भी था कि या तो मैं V3 ले लेता हूँ, बट सेगमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी फेजर है 150cc में, तो 150cc लेने का कोई मतलब नहीं है भाई, उस पर तो ऑफ रोडिंग फन होता है, सीधा खड़े खड़े चलाओ उसको। मैं सोच रहा हूँ अगर वो कुछ टाइम में नहीं बिकी या फिर मैंने नहीं बेची तो मैं उसको मॉडिफाई कर दूँगा और एकदम ऑफ रोडिंग वाले लुक दे दूँगा उसको। पिछली बार मैं देवीगढ़ अपनी हाइपर पर आया था, उस टाइम तो उसमें ऐसी प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट भी डला हुआ था, तो बहुत मज़ा आया था उस टाइम भी। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेंगे अभी, है ना, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी। यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है, पढ़ते हैं अब यहाँ से। सारे भाई फिर से हो गया पैक और अब जाएंगे आगे, फिर आगे रुक के कहीं चाय वाय भी पियेंगे जहाँ ज़्यादा ठंड होगी होगी थोड़ी। भाई मज़ा आ रहा है यार, अब तो राइट पे रोड भी अब थोड़ा अच्छा हो गया है, बर्फ़ भी दिख रही है हल्की हल्की उस पहाड़ी पे, मतलब बर्फ़ मिलने वाली है हमें। यस, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, एक्सट्रीम, वो भी एकदम ठंडी। कितना प्यारा व्यू है भाई साहब, देखो एक बार, मज़ा आ रहा है अब तो। चलो आइए, स्नो ही स्नो, बर्फीला पहाड़। मस्त है भाई। कितनी सुंदर लग रही है इस टाइम, इसके ऊपर धूप भी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा चमक रही है। थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेंगे ताकि छींटे उड़ के ना आए। कितना मस्त गाँव है यार ये, कितना सुंदर है सब यहाँ। बर्फ ही बर्फ खेतों में है, ज़्यादा बर्फ इस वक्त भाई, यहाँ बर्फ जमी हुई है पूरे रोड पे। ओ भाई यहाँ पर देखो एक बार कितनी ज़्यादा बर्फ है, बट कीचड़ भी है। कीचड़ से डर नहीं है, बस गिरना नहीं है, जैसे कि वो भाई यहाँ पर R15 भी वैसे फिसली और अपनी काकाशी भी। एक बार यहाँ पर व्यू देख लो कितना प्यारा है, ये अपनी बाइक्स खड़ी है यहाँ पर और यहाँ देखो बर्फ ही बर्फ। ये तो हार्ड होगी होगी शायद से, चलो छू के पता चलेगा, नहीं इतनी भी हार्ड नहीं है, मस्त है। हाँ चलते हैं फिर यहाँ से आगे, आगे तो और भी ज़्यादा मस्त मस्त सी जगह आएंगी, अभी वहीं रुकते हैं फिर।